हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना त्यागी संजना बुटीक में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे, ये मेरे पास एक बड़ी टी शर्ट है, बड़ी टी शर्ट से छोटे बच्चे की टी शर्ट कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये टी शर्ट हम पलट कर इस तरीके से रख लेंगे, फिर जिस साइज़ की हमें टी शर्ट तैयार करनी है उस साइज़ की दूसरी टी शर्ट लेकर उसे भी पलट लेंगे। और हम ये देखिए, ये बस इसमें अंतर इतना है, वो कॉलर वाले गले की है और ये गोल गले की है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे इसे रख देंगे और ये देखिए इस तरीके से ऊपर इसे बिछा देंगे। तो ये देखिए, इसके बाद हम इसे चौक से निशान लगाएंगे और कम से कम आधा इंच मार्जिन छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारा मुड्ढे का निशान हो गया, ये यहाँ भी, और ये देखिए इसे यहाँ अंदाजे से, ये देखिए इसे हम यहाँ पर मार्किंग ऐसे कर देंगे। आप चाहे तो इंच टेप से नाप भी ले सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ से ये 8 इंच और सेम ये भी 8 इंच ही होगा, बाकी हम नीचे का निशान लगा लेते हैं। तो इसमें हम, ये तो ऐसे गोलाई में है, ये हम गोलाई में नस करके ऐसे सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ इतना हमारा ये फोल्ड में आ जाएगा। ये देखिए, मुझे स्केच लेना पड़ा क्योंकि इस पर कोई भी मिल्टन चाक दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके से हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए, अब हमारी मार्किंग ये पूरी हो चुकी है, अब इसे हम कट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे भी ज़रा सा बाहर ही रखेंगे, बाकी का जो अगर हमें कोई ज़्यादा कपड़ा लगेगा वो हम सिलाई में छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने कट कर दिया है कॉलर, और ये बैन पट्टी हम नहीं छेड़ेंगे, जो जैसी है उसे वैसी ही रहने देंगे। और ये देखिए, बाजू को डबल रखकर और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये बाजू जैसी है, इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी है वैसी ही हमने बस ये कटिंग निकाल दी है और इसे जस की तस उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपनी इंच पर सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बाजुएं जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये ज़रा ज़रा सी मैंने यहाँ से खोल ली हैं और ये हम बीच में छोटा सा मैंने, ये देखिए बहुत छोटा सा यहाँ पर निशान डाल दिया है जो इसका मिडिल है। और ये हम ऐसे लगा के पहले इसे चेक करेंगे कहीं हमारी बाजू छोटी तो नहीं है।
तो ये ठीक ही है। अब इसे हम जोड़ देते हैं। इसी तरीके से दूसरी बाजू भी जोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमने इसकी दोनों बाजुएं ये और ये जोड़ दी हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक साइड से ऐसे पकड़ के एक सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई हम नीचे तक पूरी कर लेंगे। और दोनों सिरे इसके इक्वल कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे जो नीचे की साइड हमारी फोल्ड होगी वो कर लेते हैं। ये देखिए, एक बार ये और एक बार ये। तो चलिए पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी और नीचे से भी फोल्ड कर दिया है। तो चलिए अब हम ये हमारी लास्ट और साइड की सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं। हम ये बाजू पर भी थोड़ी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी टी शर्ट तैयार है। फ्रेंड्स, बिना किसी ज़्यादा कटाई छटाई के आप मिनटों में जो हमारे वेस्ट कपड़े हम फेंक देते हैं, तो उससे आप इस तरीके से कोई भी कपड़ा तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।